अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा टाइटल से कि मैं आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मैं जब जो आज वीडियो बना रही हूँ वो बना रही हूँ आंटी कुकिंग विद शबाना पे, और स्वीटी जी व्लॉगर हैं वो। तो काफ़ी जो है मैं देख रही थी कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियोज़ जो है वो मुझे रिकमेंड्स हो रही थी यूट्यूब की, के लोगों ने मतलब काफ़ी बातें बनाई हुई थी इन दोनों के बारे में। काफ़ी किसी ने अच्छे कमेंट्स किए हुए थे, किसी ने बुरे, तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों को इस पर अपना ओपिनियन दे दूं। और आंटी शबाना, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे मैंने आपको मैसेज किया, जवाब दें, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं भी हैदराबाद में रहती हूँ, तो मुझे बहुत जो है ख्वाहिश है कि मैं आपसे मिलूँ। अच्छा, और यहाँ पर देखें, मैं ना ड्रेस लेकर आई थी, आई थिंक ईद पर लेकर आई थी, तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। एक खादी का सूट है बहुत अच्छा और 1600 में मिल गया था, और अभी भी वहाँ सेल लगी हुई है, अगर आप लोगों को लेना हो तो आप ले सकते हैं। बस सुबह उठी थी तो मैं टी इन्जॉय कर रही थी, और फिर मैंने कहा आप लोगों से जो है वो मैं ये डिस्कस कर लूँ। आंटी शबाना जो है वो, अच्छा स्वीटी जी जो है वो उनके घर क्यों गई थी? तो ऐसा नहीं है कि आंटी शबाना हर किसी से ही जो है वो मिलने लग जाएं, मतलब जाहिर सी बात है उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो हर किसी को तो अपने घर नहीं बुला सकती ना। तो जो स्वीटी जी हैं वो उनके घर जो है वो काफ़ी पहले कभी नहीं गई, फर्स्ट टाइम ही गई थी, और एक दफ़ा उनसे वो मीटअप पे मिली थी जब आंटी शबाना ने अपना जो है वो मीटअप किया था, तो अपने सब्सक्राइबर को बुलाया था। तो वो स्वीटी जी जब हैदराबाद में होती थी तो उन्होंने जो है वो उनको जब वो उनसे मिली हुई थी तो काफ़ी उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की, तो उन्होंने उनको अपने घर इनवाइट कर लिया था। तो अब लोग कह रहे हैं कि वो व्यूअर्स जो, सॉरी, उनका चैनल है तो स्वीटी जी चैनल की वजह से और जो है वो अपने सब्सक्राइबर की वजह से जो है वो उनसे मिलती हैं, और आंटी शबाना जो है वो उनको ज़्यादा वो करती हैं ताकि, और मतलब जैसे उनको ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, तो सिर्फ उनको ही। तो जाहिर सी बात है जो जिसके दिल के करीब होता है ना वो उसी के लिए ही बात करता है। और मैंने भी देखे हैं कि काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए होते हैं स्वीटी जी के, हर जो भी अच्छी यूट्यूबर्स हैं उनके जो है वो कमेंट्स में जो वीडियो देखती जाती हैं, साथ साथ कमेंट करती जाती हैं, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि वो चाहे छोटे यूट्यूबर्स हों या बड़े, वो सबको सपोर्ट करती हैं। और वो ऐसा नहीं करती कि अगर कोई बड़े यूट्यूबर्स हैं तो उनके पीछे ही भाग रही हूँ। और आंटी शबाना जो है वो अखलाकी बहुत अच्छी हैं, वो हर किसी को जो है वो एक जैसा ही समझती हैं। उनके घर पे कोई पहली बार जाए या कभी भी उनसे कहीं भी मिले तो उनको वो एक जैसा ही समझती हैं, कोई उनमें जो है ना वो नहीं करती कि नहीं आप जो है ना उनसे अलग हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मुर्ग छोले का सालन बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आंटी शबाना आप जो है वो बहुत अच्छी हैं और हम सब के दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप किसी की वीडियो से ना ज़्यादा डिसहार्ट ना हुआ करें, हम सब आपके सपोर्ट कर रहे हैं। और कुकिंग विद शबाना को जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वो एक यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी ज़्यादा कुकिंग करती हैं, और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और रिसेंटली मैंने जो है अभी वो मखनी हांडी ट्राई की थी तो बहुत यम्मी बनी थी। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कुकिंग विद शबाना। और स्वीटी जी, आपको भी बहुत ज़्यादा लव हैदराबाद से, अगर आप हैदराबाद आएँ तो ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपसे मिलेंगे और हम आपकी सपोर्ट में हैं, हम आपके साथ हैं। और आप जो है वो ऐसे ही वीडियोज़ बनाएं अच्छी अच्छी, हम लोग बहुत अच्छी लगती हैं आपकी वीडियोज़। सो मैंने अभी रिसेंटली ही आपको ज्वाइन करा है, और कुकिंग विद शबाना तो काफ़ी पहले से जो है वो उनको ज्वाइन किया हुआ था। सो बस यही बात करनी थी आप लोग उससे आज मुझे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।